आप लोग ये बात ही क्यों उठाते हैं, तो सिर्फ यहाँ माइनॉरिटी को बिहार को देखिए, नीतीश कुमार बिहार के आगे ना सोच सकते हैं, ना पहले सोचे ना आगे सोच सकते हैं। जब देश उनको उस भूमिका में देखना चाहता था 2015-16 में या देख सकता था, तब तो वो भाग के भाजपा की गोद में बैठ गए, इसलिए कि उनको डर था कि यूपी चुनाव हारने के बाद जब यूपी में भाजपा की बड़ी जीत हुई 2017 में, तो 6 महीना उस डर से नीतीश कुमार भाग कर चले गए एनडीए में कि कहीं बिहार में भी ऐसा ना हो जाए। उनको उनकी सारी जो आज सोच है वो इतनी है कि बिहार में हम किसी तरह चीफ मिनिस्टर जितने समय तक बने रह सके वो बने रहे। और आपने कहा 25 में तेजस्वी यादव का, ये क्या नीतीश कुमार का राजतंत्र है क्या बिहार? और 25 क्यों अभी दे दीजिए तेजस्वी को, उसमें दिक्कत क्या है? मैं तो ये मांग कर रहा हूं नीतीश कुमार से कि भाई आप 25 तक क्यों इंतजार कर रहे हैं, आप तेजस्वी यादव को अभी मुख्यमंत्री बना दीजिए ताकि जनता ये भी देख सके, जनता के पास बेहतर ऑप्शन होगा कि आप 3 साल जनता देख पाएगी कि कितनी बढ़िया ये सरकार चलाए हैं, ताकि जब 25 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो जनता के पास वो एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा, एक आधार रहेगा कि भाई 3 साल इन्होंने कैसी अच्छी सरकार चलाई है। तो नीतीश कुमार जी से, या आप इसको हेडलाइन ही बना लीजिएगा, मेरा अनुरोध है कि तेजस्वी को, चूंकि उन्होंने कहा है कि 25 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो 25 तक इंतजार नहीं करना चाहिए, अभी मुख्यमंत्री का पद जो है वो तेजस्वी यादव को दे देना चाहिए, ताकि जनता के पास ये अधिकार अवसर रहे कि वो देखे कि तेजस्वी यादव कितनी काबिलियत से बिहार को चलाते हैं। अभी जिन विभागों को तेजस्वी यादव चला रहे हैं, पथ निर्माण, तो पथों की हालत आप देख ही रहे हैं, ग्रामीण कार्य, तो गांवों की हालत आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य तो कितना बढ़िया बिहार में चल रहा है वो आपको दिख ही रहा है। तो मेरे जैसे लोगों की तो बस ये हाथ जोड़ के आग्रह है नीतीश कुमार से कि अपना पद छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव को बना दीजिए मुख्यमंत्री। वो बनना भी चाहते हैं और आप बनाना भी चाहते हैं, तो रोक कौन रहा है? बहुमत आपके पास है, बना दीजिए। नीतीश कुमार किसी को कुछ नहीं बनाना चाहते हैं, वो अपने उस चेयर पर बैठे रहना चाहते हैं और कुछ नहीं है उनके पास। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा लग रहा है कि ये जघन्य हत्या जो हो रही है, समूह में हत्या, ये तरह से जो मर रहा है शराबगंज से, इस पर कोई ऐसा कदम उठाया जाए और पहल ले तो हो कि इस ऐसा